रामलाल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपने क्लास 10th है, साइंस का लेसन नंबर 1st जिसका पार्ट 6 पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने कुछ नशीले पदार्थ थे उनके बारे में पढ़ा था, जैसे तंबाकू, गुटखा, मदिरा के बारे में पढ़ा कि मदिरा है किसे कहते हैं। तो एल्कोहल इसका फॉर्मूला था C2H5OH। अलग अलग मदिरा में इनकी अलग अलग प्रतिशत होती है मात्रा, वो पढ़ा। तो आज अपने जो मदिरा है इसके दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं वो नोट करेंगे। तो आप नोट करना मदिरा के दुष्प्रभाव। एक नंबर लिखेंगे मदिरा पान से, यानी मदिरा शराब को बोलते हैं, तो उसे पीने से क्या होता है, जो एल्कोहल होता है उसमें मदिरा में घुला हुआ, वो रक्त प्रवाह के द्वारा हमारे यकृत यानी लिवर में पहुंचता है। और अधिक मात्रा में यदि एल्कोहल उपस्थित होता है तो जो एल्कोहल है वो यकृत में जाकर किसमें बदल जाता है, एसिटाइलकोलाइन में। तो यदि मदिरा में एल्कोहल की मात्रा ज्यादा है तो वो अपने लीवर में जाकर कुछ जैविक क्रिया हो रही है और जैविक क्रिया के बाद में वो एल्कोहल किसमें बदल जाता है, एसिड एल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। तो ये किसमें बदल जाता है, एसिटाइलकोलाइन में। एसिटाइलकोलाइन क्या होता है, एक जो नुकसानदायक अपने शरीर के लिए पदार्थ होता है। तो इस तरह से एल्कोहल की मात्रा अधिक होने पर लीवर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। फिर सेकंड नंबर है एल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य, मतलब जो नियंत्रण होता है, संतुलन होता है, एवं नियंत्रण कमजोर हो जाता है। तो व्यक्ति यदि लगातार एल्कोहल का सेवन मदिरा का करता रहता है तो शरीर की जो संतुलन है, सामंजस्य है, यानी नियंत्रण, वो सभी कमजोर हो जाती है अपने शरीर पर और कार्य करने की क्षमता क्या कम हो जाती है। फिर आगे इसका 3 नंबर है दुष्प्रभाव, एल्कोहल के सेवन से क्या होती है, स्मरण शक्ति, मतलब अपनी याददाश्त है वो कमजोर होने लग जाती है और अपनी तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क से जुड़े हुए जो तंत्रिका तंत्र होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा तो अपनी याददाश्त है वो कमजोर हो जाएगी। फिर आगे 4 नंबर दुष्प्रभाव है, इसके प्रभाव से यानी मदिरा के प्रभाव से बस ये यकृत रोग हो जाता है। यकृत से संबंधित रोग कौन सा, वसीय यकृत रोग हो जाता है, जिसे क्या प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। जब वसा का एकत्रीकरण होने लग जाएगा, वसा इकट्ठी हो जाती है अपने यकृत में, तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है अपने शरीर में, इसके संश्लेषण की जो मात्रा होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। फिर आगे दुष्प्रभाव इसका मदिरा का कौन सा है, मदिरा के सेवन से शारीरिक नुकसान तो होते ही होता है, उसके साथ में अपने कुछ घर पे आर्थिक नुकसान और सामाजिक नुकसान भी होता है। तो आर्थिक स्थिति मदिरा के सेवन से कमजोर हो जाती है, पैसों की बर्बादी होती है और समाज में जो व्यक्ति लगातार नशे करता है या मदिरा का सेवन करता रहता है तो उसकी समाज में प्रतिष्ठा भी कम हो जाती है, यानी उसकी जो आदर है वो भी कम हो जाता है। तो इस तरह से मदिरा के सेवन से इतने दुष्प्रभाव हैं, इन्हें आप नोट करना। आगे अपने पढ़ते हैं अगला नशीला पदार्थ अफीम। फिर इसके बाद में लिखेंगे आप अफीम। तो जो अफीम है यह एक पादप है, तो इस पादप का वानस्पतिक नाम क्या लिखेंगे आप, पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम, ये इसका वंश है और सोमनीफेरम कुल जाति है, वंश और जाति। ये कौन से कुल से प्राप्त होता है, पेपेवर इसी कुल से प्राप्त होता है अफीम। अब जो अफीम है ये पादप के कौन से भाग से प्राप्त होता है, तो ज्यादातर जो अफीम है उसके फल होते हैं जिसे डोडे बोला जाता है, उन कच्चे फलों से जो दूध निकलता है
1.5 किलो के कच्चे फल होते हैं, उनको सुखाने के बाद में जो अफीम प्राप्त होती है उसमें ये सारे एल्केलोइड पाए जाते हैं। अब जो अफीम है इसका लोग उपयोग किन किन रूपों में करते हैं, तो सबसे पहले जो इसका उपयोग लोग दर्द निवारक के रूप में, कौन सी मॉर्फिन है, कोडीन है, इसका लोग दर्द निवारक दवा के रूप में उपयोग करते हैं। अगर किसी को लगातार शरीर में दर्द रहता है तो कुछ लोग इसका सेवन करते हैं जिससे उन्हें दर्द में राहत मिलती है, इसलिए दर्द निवारक दवा के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ लोग अफीम का शांति में आनंद की अनुभूति के लिए लोग खुशी या गम के अवसर पर करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो माताएं हैं उन्हें रोजगार के लिए या दिन में कार्य करने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ता है, अफीम खिलाकर वह सुला देती हैं जिससे वह नशे में सोए रहते हैं, इसलिए बच्चों में भी क्या इस अफीम की लत पड़ जाती है। तो ये अफीम के इस रूप में उपयोग किए जाते हैं। अब आगे नोट करेंगे अफीम से कौन सी हानियां होती है, तो लिखिए अफीम से होने वाली हानियां। फिर आगे अफीम से होने वाली हानियां, तो अफीम है उसका यदि लगातार सेवन करते रहते तो व्यक्ति है इसका आदि बन जाता है, और व्यक्ति आदि बनने के कारण प्रारंभ में इसकी मात्रा कम में ली जाती है तो धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है। फिर इसके बाद दूसरा दुष्प्रभाव है प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता वो कम हो जाती है जिससे व्यक्ति बार बार बीमार होने लगता है, तो बीमारी के कारण व्यक्ति की क्या असामयिक मृत्यु हो जाती है। फिर आगे चौथा दुष्प्रभाव है, तो अफीम के लगातार सेवन करने से शारीरिक नुकसान के साथ साथ आर्थिक नुकसान पहुंचता है। तो ये सारे जो प्रमुख नशीले पदार्थ थे वो अपने पड़े। अब जो कुछ अन्य नशीले पदार्थ हैं उनके बारे में आप नोट करेंगे, कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD, इसका पूरा नाम आप नोट करेंगे लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड। तो ये LSD एक नशीला पदार्थ है, इसका आपने पूरा नाम याद रखना है लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड। ये सारे अन्य नशीले पदार्थ हैं, इन नशीले पदार्थों के सेवन से भी कुछ नुकसान होते हैं। तो कौन कौन से नुकसान है, पारिवारिक विच्छेदन हो जाता है यानी लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, युवाओं में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, शारीरिक व मानसिक कमजोरी हो जाती है, इसके साथ साथ व्यक्ति शारीरिक कमजोरी के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी पहुंच जाता है। तो आर्थिक नुकसान और जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है, और ये इसके अलावा और भी दुष्प्रभाव होते हैं। तो नशीले पदार्थों के सेवन से शारीरिक और मानसिक और सामाजिक इस तरह से नुकसान पहुंचता है। तो आज अपने प्रमुख नशीले पदार्थ हैं इनके बारे में पढ़ा था, तो आप इन्हें नोट करना। नेक्स्ट वीडियो में अपने जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें मिलावट है और जो दवाएं हैं उनका भी उपयोग नशे